अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूबर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं होममेड खोया। होममेड खोया बनाने के लिए हमें जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, यानी कि हमें सिर्फ 3 चीज़ों से हम खोया बना सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो हम या तो हम घी लेंगे या बटर लेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल स्पून। मैंने इस वक्त बटर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा खोए का जो रंग है वो वाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश शेड पे चाहिए, तो इसीलिए मैंने बटर यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि वो वाइट लाइट येलोश खोया हो तो आप 2 चमचे बटर यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने हल्का सा इसको किया है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने लिया है 100 ग्राम मैंने लिया है दूध। आप गाय का ले लें या भैंस का ले लें या जो आप डिब्बे का यूज़ करते हैं, पैकेट का दूध यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए, 100 ग्राम्स, ठीक है, वो ले लिया। अब उसको फिर मैंने मिक्स किया है अच्छी तरह से, यानी कि ऑयल घी में या बटर में जो भी है वो आप उस दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद जी मैंने पूरा 1 कप भर के मैंने पाउडर मिल्क लिया है, ठीक है, जस्ट 3 चीज़ें हैं। फिर मैंने क्या किया, जो 3 ऑल इंग्रेडिएंट्स थे इन तीनों को मैंने एक एक करके डाल दिया है। अब मैं इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी, तो ये बहुत अच्छा होममेड खोया बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीठा हो, अगर आप इससे कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इस वक्त इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे क्योंकि ये हलवे के लिए नीड है, जैसे हलवे में डालते हैं, गाजर के हलवे में आप यूज़ कर सकते हैं और आप जर्दे के लिए बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो घर में बनता है, बहुत अच्छा बनता है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी बन जाता है। जस्ट 5 to 10 minutes में आराम से आपका होम मेड खोया रेडी हो जाता है। अब ये देखिए मैंने इसको तीनों को कर रही हूँ, फिर हल करते हुए ये देखिए मैंने इसकी बहुत जस्ट 5 or 10 minutes मैंने 8 minutes मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 8 minutes इसको इस तरह मैं इसको चमचे से स्पून से भूनती रही। तो अब देखिए ये कंडीशन आ गई है कि इसने अपनी जगह छोड़ दी और ये देखिए इस तरह वो चिपक नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास ये आप ये अच्छी तरह की कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इसीलिए घी यूज़ किया था, घी या बटर। मैंने बटर यूज़ किया था, मैंने आपको बताया कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए था, ठीक है। अब हमने अच्छी तरह ये इस तरह कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको कर देंगे, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको कि इसको जस्ट इसमें 1-2 minutes और इसको हम हल्के से इस तरह मिक्स करते रहेंगे तो ये होगा कि ये दाने। मैंने अब आपको डिश आउट करके दिखा दिया है, आप अच्छी तरह देख लें, ये बिल्कुल दानेदार से जैसे बाज़ार में मिलता है वैसे ही खोया है और बहुत अच्छा था। टेस्ट का भी घर में बनता है तो आपको पता है कि हमें पता है कि हमने किस तरह बनाया है, तो घर में बनाइए ये इस तरह की चीज़ें। ये देखिए इस तरह की बहुत दानेदार सा है और बहुत अच्छा बना है, तो आप इसको हलवे में जर्दे के लिए किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह।